दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं नेरोलैक कंपनी का शेड कार्ड से कलर बनाकर, वो भी एशियन के डिब्बे में आपको बना करके दिखाएंगे। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि एशियन में मेटेलिक बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए ये जो इम्प्रेशन नेरोलैक का है, इम्प्रेशन ग्लिटर शेड कार्ड लग्जरी इमल्शन, और इसमें से मुझे कुछ एक कस्टमर ने जो है बनवाया है, तो 2 लीटर कलर बनना है। तो ये है वो कलर, कौन सा है, G311। तो ये अंबर हैस के नाम से है, G311। तो 2 लीटर बनाना है, और देखिए एक कलर बनेगा इसमें से, नेरोलैक का शेड कार्ड है, और इसे भी हम खोल लेते हैं इधर से भैया सीधा। हाँ, तो इधर से ही है सीधा। तो काफ़ी सारे इसमें कलर हैं, और हमें बनाना है 4108 कोकम रेड। तो ये तेज कलर है काफ़ी, मैरून टाइप, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, देखते हैं। और ये हम बनाएंगे नेरोलैक एक्सल में, और ये बनाएंगे एशियन पेंट के, क्या नाम है उसका, मेरे पास डिब्बा भी रखा था उसका, तो दिखाता हूँ मैं कौन सा डिब्बे में। हाँ, एशियन पेंट का रॉयल लग्जरी इमल्शन, तो ये गोल्ड इसका बेस है, तो दोनों में बना करके दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों देखिए हमने इसमें टाइप कर दिया है 4108 कोकम रेड। तो फिलहाल हम इसे एक्सल में बना के दिखाएंगे, और इसमें जो बेस लगेगा वो 9 नंबर का लगेगा, और 4 लीटर बनाना है हमें। और इसके अंदर जो कलर इस्तेमाल होंगे वो हैं आपके एक्सटीरियर रेड, वाइट, ब्लैक और रेड ऑक्साइड। तो इसका जो रेट होने वाला है, रेट है इसका 2079.35 रुपये, और जो इस पर GST भी लगेगी अभी, तो कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, बाकी देखिए मज़ा आएगा। तो ये है एक्सल का बेस, और देखिए 9 नंबर का बेस है, और ये है कुछ गुलाबीपन पे, हो सकता है इसमें ज़्यादा डार्क आ रहा हो, तो बाकी देखते हैं बनने के बाद में ये कैसा हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि बढ़िया सा होना चाहिए। तो हमने सब चीज़ सेटिंग कर दी है, कोकम रेड 4108, तो चलिए बनाते हैं। तो हम अब डिस्पेंस करने वाले हैं, सबसे नीचे जो बटन है वो डिस्पेंस का है, बस एक बार चेक कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहता है कि कोई कमी ना हो। डिस्पेंस हमने कर दिया है 4 लीटर 4108। तो 4 कलर इसके अंदर डलने वाले हैं, आप देखिए, देखिए रेड के अंदर रेड पड़ रहा है, गुलाबी के अंदर रेड, तो ये एक्सटीरियर रेड कलर है सबसे पहले जो है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 367 ml, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पड़ रहा है। हमारा कलर तैयार है पूरी तरीके से, डिब्बा हटा देंगे। तो कलर हमारा जो है तैयार हो चुका है, अभी थोड़ा सा और घुलेगा ना तो पूरा बढ़िया से हो जाएगा एकदम कोकम रेड। तो दोस्तों हमने जो है कोकम रेड तो बना दिया है, आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा सा, देखिए अंबर हेज 311, जो कि एकदम कुछ अलग सा ही पन है इसके अंदर। तो चलिए इसके लिए देखिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम बना रहे हैं ना एशियन पेंट में बना रहे हैं, नेरोलैक की मशीन है और एशियन पेंट का ये कलर है, और हम इसे इसमें बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए नेरोलैक की जगह एशियन की मशीन लगानी पड़ेगी, तो ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये जो है गोल्ड पेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब चीज़ हमने टाइप कर ली है। तो G311 इसका कोड है, अंबर हेज नाम है, ये तो इसमें इम्प्रेशन ग्लिटर आएगा क्योंकि ये इम्प्रेशन का ही सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। तो इसकी 840 MRP है, और इसमें एक तरह का बेस पड़ेगा, सिर्फ पेस्ट पड़ेगा सॉरी, इसका नाम है एक्सटीरियर रेड, और देखिए ग्लिटर गोल्ड, गोल्ड मेटेलिक, और 1 लीटर हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया है, और इसे थोड़ा सा पीछे कर देते हैं बिल्कुल नोजल के नीचे, और हमारी सब चीज़ ओके है। तो फिलहाल डिस्पेंस करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने डिस्पेंस कर दिया G311 अंबर हेज, हमारा ये कलर इसके अंदर इस्तेमाल होगा, बस इतना सही। और देखिए रिमूव कैन लिखा हुआ आ गया, तो 840 पे GST प्लस हो जाएगी। तो देखते हैं किस कलर में ये हो जाएगा। तो आप देखिए अभी इसका कलर ऐसा है, और थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा आपको देखते हैं हम शेक करके। एक्सटीरियर रेड पड़ा है इसके अंदर, तो देखिए अब बस देखना यह है कि कैसा निकलता है। हमने इसे शेक कर लिया है, खुल जा सिम सिम, और देखिए
बस थोड़ा सा कलर चेंज करना था, तो जो कि हमारा हो चुका है। अब आप देखिए बिल्कुल सेम कलर G311। तो थोड़े थोड़े से ही चेंज हो जाते हैं। बाकी देखिए इतने ये जो कलर हैं ये सारे ये गोल्ड बेस में बनते हैं और ये सब सिल्वर बेस में बनेंगे ये वाले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकरम खान है। तो आपने देखा मैंने आपके लिए दो कलर बनाकर दिखाए, कोकम रेड एक्सल में जिसका नंबर 4108 था और G311 जो कि नेरोलेक के इम्प्रेशन का शेड कोट था, लेकिन मैंने बनाया उसे एशियन पेंट के रॉयल शाइन में। तो आपने देखा रॉयल लग्जरी इमर्शन में, सॉरी। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है और आप आराम से बनाइए, आपको दूसरी मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरे के जो शेड कोड हैं वो काम करते हैं अपने आराम से, सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक काम कर जाते हैं। और इस मामले में मैंने देखा कि ब्रिटिश में जो है वो मज़ेदारी नहीं है जो कि एशियन पेंट में है। तो एशियन पेंट का जो कोड है, मतलब ये जो हमारा कलर बनाया है, ये एक या दो कोड लगाने पर के बाद में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हो जाता है, जैसा दिख रहा है सेम हो जाता है। लेकिन मैंने अपने घर पे इस्तेमाल किया था जो कि मैंने बनाया था ब्रिटिश के इसमें ग्लिटर में। तो देखिए मैं दिखाता हूँ ब्रिटिश का किस तरीके से है। ब्रिटिश का हमारा इधर आखिर में रखा हुआ है, तो इसमें हमने बनाया था तो इतनी मज़ेदारी नहीं आई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ब्रिटिश वाला ही बेचते हैं, तो हमारे पास एशियन पेंट भी है और ये नेरोलेक का इम्प्रेशन भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। तो अब लेते हैं कुछ कमेंट्स जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सुनने को मिलते हैं मुझे। तो सबसे पहले एक ही सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो कि तसल्ली बख्श हो। निखिल पाटीदार जी ने सवाल पूछा है कि हम कैसे पता करें कि हम डीलर हैं या फिर होलसेलर के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम डीलर हैं भी या नहीं हैं। तो भाई देखिए, डीलर अगर आप जो है डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं बिना किसी होलसेलर को बीच में डाले, तो आप समझ लीजिए डीलर हैं। निखिल भाई, आपका जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दिलचस्प है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ते हैं तो देखिए बीच में होलसेलर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने होलसेलर से संपर्क ही नहीं किया है। और दूसरी बात, अगर आप जो है होलसेलर के द्वारा मशीन लेते हैं, कोई सी भी कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, आप डीलर तो एक तरह से बन जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी, आपको डायरेक्ट माल कंपनी से नहीं मिलेगा। आपको माल डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलेगा, आपको माल उसी होलसेलर के द्वारा लेना पड़ेगा। और जो कंपनी के जो बंदे आते हैं ना, SRMR वगैरह, वो आपके पास आएंगे लेकिन दिखाएंगे प्रोडक्ट, लेकिन आपको जो अगर आप उनसे रेट पूछने लगे तो वो आपको रेट नहीं बताएंगे, वो कहेंगे भैया से पूछ लेना, भैया कौन है, होलसेलर। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ऑफर था जो कि मैं बता दूं, हमारे पास बर्जर से जो हम जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट जिस होलसेलर से हम सामान लेते हैं उन्होंने ही डायरेक्ट जुड़वा दिया था। हालांकि हम बर्जर का कोई ख़ास ऐसा माल वाल नहीं बेचते हैं, तो इस वजह से इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और कोई भी सवाल हो बेधड़क होके पूछिए, हम आपके अगर हमसे सवाल का जवाब आता होगा तो 100% देंगे और सही देंगे। ओके, बाय बाय।